प्रसाद की तैयारी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने 1.25 किलो आटा लिया है, इसकी मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी और उसके बाद बनाएंगे इसका पूड़ियों का हलवा। तो इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच घी, जिससे कि जो हमारा हलवा बने वो बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया सा बने। और इसको हम बनाएंगे शुद्ध घी में, क्योंकि पूजा का काम है और ये शुद्ध घी में ही बनता है माता रानी के भोग के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। और इसमें हम पानी की सहायता से इसको टाइट आटा गूंद लेते हैं। ये देखिए मेरा पूड़ियों के लिए आटा गूंद गया है, ये देखिए हलवे की पूड़ियों के लिए। ऐसे ही हम नॉर्मल पूड़ी के लिए भी आटा गूंद लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऐसे बड़ी बड़ी सी लोई बना लेंगे, देखिए जैसे हम पुए बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे बड़ी बड़ी सी, ये देखिए ऐसे रफ सी पूड़ियों के लिए ऐसे गोल बना के रख लेंगे। किचन टॉप को मैंने साफ कर लिया है, देखिए अब इसी में ये बड़ी बड़ी सी लोई है, इसकी मैं ऐसी पूड़ी बना लूँगी। देखिए इसके गोल बनाना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसको तो हम मैश करेंगे और पूरा बनाएंगे ना, इसलिए देखिए ऐसे मोटी मोटी सी पूड़ी बनाकर हम रख लेते हैं सारे। ये देखिए सारी पूड़ियों को मैंने बेल लिया है, ये देखिए थोड़ी सी मोटी मोटी पूड़ी बेल गई है हमारी, और हमारा घी भी अच्छे से गर्म हो गया, शुद्ध घी है तो थोड़ा धुआं ज़्यादा छोड़ रहा है, तो मैं इसको ऐसे धीमी आंच पर कर लेती हूँ। देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन सी ये पूड़ी का जो हलवा होता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और संता के सुहागरों में तो पूड़ी और हलवा ही खाया जाता है, और साथ में हम दही रखते हैं, जिससे कि जिसको मीठा कम पसंद है वो दही के साथ थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। देखिए ऐसे हम पूरी पूड़ियों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके कर लेंगे। देखिए इस तरह से देखिए कितनी बढ़िया हमारी पूड़ियाँ बन रही हैं, ये देखिए, और बनाना कितना आसान है ये देखिए। ये जब तक देख रही है जब तक मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये जो हमारी पूड़ी है इसको गर्म ही गर्म हम हाथों से ऐसे इसको मैश कर लेंगे। देखिए ये देखिए हाथों से कैसे गर्म गर्म रहेंगी ना, तो ये बहुत ही अच्छे से हो जाएंगी। ये जो बेलन है हमारा, इससे हम इसको ऐसे कर लेंगे, देखिए तो ये जल्दी से ये चूरा हो जाएगी। देखिए जैसे हम चूरमा के लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे इसको कर लेंगे। ये देखिए हमारी पूड़ियाँ भी कितनी बढ़िया फूल रही है और कितनी बढ़िया बन रही है, देखिए वाह। ये देखिए हमारे बना लिया है, देखिए कितना बढ़िया बनाए ना, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, बड़ी कढ़ाई मैंने रख दी है, तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी, क्योंकि मीठी चीज़ें जो होती हैं वो घी में अच्छी बनती है, और पूजा का प्रसाद बना रहे हैं हम, तो इसमें क्या करेंगे हम गैस को मैंने ऑन कर दिया है, और अपना ये जो चूरा है इसमें डाल के अच्छे से इसको भून लेते हैं थोड़ा सा, करीब 5 से 7 मिनट। ये 1.25 किलो आटे की मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, इसको अच्छे से भून लेते हैं। जब तक हमारा ये भून रहा है तब तक हम क्या करते हैं, मैंने मेवा लिया है और पीस का इलायची लिया है, इनको भी हम काट कर लाते हैं। तो देखिए हमारा जो चूरमा है पूड़ियों का, वो देखिए कितना बढ़िया से भून गया है, बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है, और मैंने ये मेवा वगैरह काट के सब तैयारी पूरी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारी पूड़ियाँ थी उसे डबल हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि ये जो हलवा बनता है ये थोड़ा सा पतला बनता है। पानी 10 मिनट डाल दिया है, अब इसमें शुगर डालेगी करीब 1/2 किलो करीब, इसमें आराम से शक्कर आ जाएगी, और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हम अच्छे से शक्कर को घोलेंगे। देखिए ये हलवा थोड़ा सा पतला बनता है, अभी हमने शक्कर डाली है ना, तो ये सब शक्कर मेल्ट होगी तो ये जो हलवा है ये अपने आप ही पतला हो जाएगा। देखिए इसी में डाल देंगे हम इलायची पाउडर, ये देखिए करीब 25 इलायचियों का पाउडर मैंने तैयार किया है, इसमें मैं डाल देती हूँ। इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है। इसी में बनते में ही हम मेवा डाल देंगे, ये डाल दिया मैंने किशमिश, और ये काजू और बादाम को मैंने काट लिया था, ये भी इसमें अच्छे से डाल देते हैं, देखिए जिससे कि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको करीब 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे कि जो हमारा हलवा है वो अच्छे से फूल के और बन के तैयार हो जाए। ये देखिए शक्कर मेल्ट हो गई है और हमारा हलवा देख रहे हैं आप कितना अच्छा पतला हो गया बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इसको करीब 5 मिनट के लिए इसको अच्छे ढक देंगे, जिससे कि जो हमारी पूड़ियाँ हैं वो अच्छे से फूल जाती है। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हम देख रहे हैं हमारे हलवे की पोजिशन क्या है। वाह हलवा हमारा अच्छे से खनकने लगा, देखो दिख रहा होगा आपको, अच्छे से उबलने लगा है बढ़िया।
ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है। देखिए क्योंकि पूरियों से हलवे को खाया जाता है ना, इसलिए इसको हम थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। गैस के स्विच को मैं ऑफ कर देती हूँ और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में ऊपर से भी डाल देते हैं। देखिए वाह, तो अब हम चलते हैं अपने पूजा में और बताते हैं आपको कि इसकी पूजा कैसे की जाती है। प्रसाद तो हमारा बन गया है।